मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अपना स्थापना दिवस गौरव दिवस के रूप में मना रही है और ऐसे में पूरे सप्ताह कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गौरव यात्रा को फ्लैग ऑफ से की गई और भोपाल के गौरव दिवस को लेकर बोट क्लब पर वाटर एडवेंचर का भी आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गौरव दिवस को कितनी शानदार तरीके से मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ सीएम का स्वागत किया जा रहा है। गौरव दिवस के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने भोपाल वासियों को गौरव दिवस की शुभकामनाएं दी। लोगों से मिले, हाथ मिलाया, कहा कि राजधानी भोपाल का गौरव दिवस मना रहे हैं। स्वच्छता अभियान में राजधानी भोपाल नंबर एक पर आए, इसके लिए भी राजधानी वासियों को प्रयास करने होंगे। हम देखते हैं कि आग की घटनाएं कई बार जान और माल दोनों का नुकसान करती हैं और आज कुछ ऐसा ही होने से रह गया। माल को तो थोड़ा नुकसान हुआ लेकिन कई जिंदगियां बच गई। दरअसल उज्जैन के कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टोर में आग लग गई। आग स्कूल के स्टोर रूम में लगी, देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगी। गनीमत रही कि स्कूल में कोई बच्चा मौजूद नहीं था, सिर्फ स्कूल में शिक्षक मौजूद थे। बच्चों के होने से आग पर काबू पाने के साथ साथ बच्चों को स्कूल से निकालने की भी जिम्मेदारी होती। तस्वीरों में आप देखिए आग की लपटें कितनी तेजी से फैल रही हैं। आग लगते ही स्कूल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्टोर रूम में रखी फाइलों और कागजातों को जल्दी जल्दी कर किसी तरह से बाहर फेंका गया, क्योंकि स्टोर रूम में रखा कई सामान आग की जद में आ गया था। वहीं आग लगते ही फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्वालियर जिले के भितरवार में थाना प्रभारी की विदाई यादगार बन गई। दो दिन पहले भितरवार थाने में तैनात थाना प्रभारी प्रशांत शर्मा का तबादला हो गया। इसके बाद थाना प्रभारी प्रशांत शर्मा को स्टाफ और नगरवासियों ने विदाई दी। इसके पहले भितरवार थाने में स्टाफ ने थाना प्रभारी प्रशांत शर्मा को गुलदस्ते भेंट किए। इस दौरान बड़ी तादाद में नगरवासी भी पहुंचे। फिर बैंड बाजों के साथ थाना प्रभारी प्रशांत शर्मा का जुलूस निकाला गया। भितरवार नगर के युवा इस जुलूस में देशभक्ति गानों पर थिरकते चलते गए। वहीं जगह जगह थाना प्रभारी का आम लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया। जुलूस के बाद थाना प्रभारी को दुल्हन की तरह सजी हुई कार में बैठाकर विदाई दी गई। भितरवार एसडीओपी अभिनव बारंगे ने कहा कि थाना प्रभारी प्रशांत ने महज 14 महीने के अंदर जो काम किया वो काम वाकई काबिले तारीफ है। सामुदायिक पुलिसिंग के जरिए प्रशांत ने न सिर्फ आम लोगों का वर्दी के प्रति विश्वास बढ़ाया बल्कि अपराधियों का मनोबल भी तोड़ने का काम किया है। उन लोगों ने सोचा नहीं था वो विवाह समारोह आखिरी समारोह होगा। उनके लिए आज आखिरी दिन होगा। कल से वो ना उगते सूर्य को देख पाएंगे ना डूबते सूर्य को। दरअसल हरदा के टिमरनी विकासखंड के कल्ताना टिमरनी रोड पर दर्दनाक हादसा हुआ। विवाह समारोह से लौट रहा एक परिवार कार हादसे का शिकार हो गया। टिमरनी रोड पर कार एक पेड़ से टकरा गई और जैसे ही कार पेड़ से टकराई कार का टायर फट गया और आग निकलने लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। ग्रामीणों ने लाख कोशिश की लेकिन किसी तरह कार सवारों को निकाला जा सके ये प्रयास असफल रहा। कार सवार चार लोग जिंदा जल गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे धू धू कर कार से आग की लपटें उठ रही हैं और फिर कार के नाम पर खाक बचा। घटना में शामिल सभी मृतक अखिलेश, राकेश, शिवानी और आदर्श बरकला गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि राकेश और शिवानी का गर्मी का मौसम, लापरवाही की वजह से आग की कई घटनाएं सामने आती रहती हैं और गर्मी के मौसम में अक्सर आग लगने की खबरें मिलती हैं। कभी किसी घर में, कभी किसी फैक्ट्री में तो कभी कार में। और ऐसी एक खबर सामने आई है धार के गुणापत से। इंदौर अहमदाबाद हाईवे के किनारे बने एक ढाबे में रखे केमिकल में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें आसमान में उठने लगी, अंधेरे में भी उजाला होने लगा। आग लगने से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि इस ढाबे पर अवैध रूप से केमिकल का भंडारण किया गया था, इसमें अचानक से आग लग गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। आग लगने की सूचना पर धार और पीतमपुर से दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। ढाबे में संचालित अवैध गतिविधि के खिलाफ स्थानीय लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है और आग पर काबू पाए जाने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। फिलहाल सादलपुर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। चिता सज गई, आंखें गमगीन थी, अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी हो गई। शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए परिवार समाज के लोग जुट गए और तभी वो हुआ जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी।
पता है क्या हुआ? दरअसल जो कुछ देर बाद चिता पर जलने वाला था वो शख्स जिंदा हो गया। मामला मुरैना का है, जहां एक शख्स किडनी से जुड़ी समस्या से लंबे समय से जूझ रहा था। लंबे समय से बीमार रहने के बाद अचानक से उसकी सांसें रुक गई। लोगों को लगा उसकी मौत हो गई। उसके अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां पूरी हो गईं। मुर्दा समझकर शख्स को शांति धाम भी लाया गया, जहां अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी, और तभी अचानक से शख्स हिलने लगा। आनन फानन में जब उसकी धड़कनें चेक की गईं, तो धड़कनें चल रही थी। परिजनों ने तत्काल शांति धाम में डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने युवक की ECG चेक की और ग्वालियर रेफर कर दिया। हालांकि करीब 15 घंटे बाद उसकी दोबारा मौत हो गई। जोर लगा के हईशा, फंस गए भैया हईशा, निकलेंगे हम हईशा। इस तस्वीर में रतलाम ग्रामीण से विधायक दिलीप मकवाना दरअसल मौजूद हैं रतलाम के ही प्रसिद्ध गुणावद गांव में, जहां पर पहाड़ी पर भोलेनाथ के मंदिर में बने हैं दो खंभे। नहीं नहीं, यहां खंभा हिलाने का कंपटीशन नहीं था, बल्कि नजदीक नजदीक बने दो खंभों के बारे में कहा जाता है कि जो पुण्यात्मा होता है वो इनके बीच से निकल जाता है, और जो फंस जाता है वो, खैर छोड़िए। राहत की बात ये रही कि खंभों के बीच फंसने के बाद दुबले पतले और छरहरी काया के विधायक दिलीप मकवाना सकुशल निकल आए, और किंवदंतियों के लिहाज से वे पुण्यात्मा हो गए। हालांकि जद्दोजहद करते विधायक जी का पास ही खड़े किसी शख्स ने वीडियो बनाया और ये वायरल हो गया। गर्मी आई और आंख दिखाकर चली गई। अब इसे मानसून से पहले का ट्रेलर कहें या कुछ और, जो भी कहें, लेकिन इन दिनों जो ग्वालियर में हालात हैं उसे देखकर कहेंगे कि ये तो मानसून वाली बारिश का मौसम है, लेकिन हकीकत यह है कि अभी तो मानसून की बारिश का पिक्चर देखना बाकी। बता दें कि पिछले दिनों हुई बारिश ने ग्वालियर चंबल अंचल में कई महीनों में होने वाली बारिश के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जहां बीते 64 सालों में इतनी बारिश नहीं हुई, वहीं पिछले 30 दिनों में 64 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बारिश आंधी के साथ आया ये झोंका कितनी तेजी से आया है। झूम झूम कर आई इस बारिश ने पूरे शहर को डुबा दिया है। 1959 में मई में 60 मिलीमीटर बारिश हुई थी और इस साल इससे कहीं ज्यादा हुई। मौसम विभाग की माने तो आज और आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना है। बारिश की वजह से नौतपा का असर खत्म हो गया है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं ज्यादा बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। प्रदेश में सिर्फ ग्वालियर में ही बेमौसम बारिश नहीं हुई है, बल्कि राजधानी भोपाल में भी बेमौसम बारिश का दौर जारी है। राजधानी में बारिश ने मॉनसून से पहले का ट्रेलर दिखाया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी मौसम का यही हाल रहने वाला है। वहीं बारिश की वजह से नौतपा का असर कम हो गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में भी आसमान में बादल मंडराते रहेंगे, बारिश की बूंदे बरसती रहेगी। हालांकि राजधानी का पारा अब भी 39 डिग्री के आसपास बना हुआ है, लेकिन मौसम के तेवर पिछले कुछ दिनों के मुकाबले ठंडे पड़े हैं, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। राम राजा सरकार की नगरी ओरछा फिल्म निर्माताओं को रास आने लगी है। डॉक्यूमेंट्री और वेब सीरीज की शूटिंग तो यहां पर आए दिन देखने को मिल जाती है। प्रकृति की गोद में बसे ओरछा में कई ऐतिहासिक और पुरातत्व धरोहर हैं, जिनके आसपास शूटिंग की जाती है, तो दर्शकों को उन नजारों को देखकर अच्छा लगता है। दरअसल ओरछा की प्राकृतिक वादियां प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को खूब आकर्षित कर रही हैं, जिसकी वजह से फिल्मों की शूटिंग के लिए ये जगह काफी अनुकूल माना जाता है। प्रोड्यूसर विनीत यादव ने बताया कि जी मीडिया एंड फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बनी बैर शोधन नाम की अब वेब सीरीज की शूटिंग का मुहूर्त ओरछा में किया है। पर्यटन नगरी में सामाजिक मुद्दों पर आधारित वेब सीरीज बैर शोधन की शूटिंग शुरू हुई है। फिल्म डायरेक्टर शशिकांत मीणा इस सीरीज का निर्देशन कर रहे हैं। ओरछा में वरुण धवन, अभिषेक बच्चन जैसे बड़े बड़े कलाकार शूट कर चुके हैं।
इस सीरीज को प्रोड्यूस कर रहे विनीत यादव ने बताया कि बैर शोधन का मतलब बुराई को खत्म करना है, इसलिए राम रजा सरकार से आशीर्वाद लेकर यहां से शूटिंग शुरू की गई है। नरसिंहपुर के करेली थाने में उस वक्त आस्था का हुजूम उमड़ा जब लोगों को पता चला कि 24 साल बाद भगवान राम से मिलने उनके छोटे भाई लक्ष्मण वापस लौटे हैं। दरअसल करप गांव के राम मंदिर से 24 साल पहले राम दरबार से भगवान लक्ष्मण की अष्टधातु की बेशकीमती प्रतिमा चोरी हो गई थी। काफी तलाशने के बाद भी मूर्ति नहीं मिली और पिछले 24 साल से राम दरबार में प्रभु लक्ष्मण के बिना ही पूजा होती रही। लेकिन कुछ दिनों पहले जब लोगों को भनक लगी कि अष्टधातु की प्रतिमा उमरिया जिले के चंदिया थाने के मालखाने में रखी हुई है, तो कागजी कार्रवाई करने के बाद भगवान लक्ष्मण की मूर्ति को वापस उनके धाम लाया गया। चंदिया थाने से मूर्ति को करेली थाने सौंपा गया और फिर करेली थाने में मूर्ति का स्नान और पूजन अर्जन कर करप गांव के लिए विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान लक्ष्मण की धाम वापसी की शोभा यात्रा में सैकड़ों लोग उमड़े और लक्ष्मण मिलाप के गवाह बने। एक तो उफ वाली गर्मी, ऊपर से पानी की समस्या, पानी के लिए बूंद बूंद तरसते ये लोग। ये हाल एमसीबी जिले के नगर पालिका निगम चिरमिरी का है। लोगों के लिए पानी की समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि 1 किलोमीटर दूर तुर्रा से पानी लाना पड़ता है। लोगों को पानी के लिए रात के अंधेरे में पहाड़ के नीचे पानी भरने जाना पड़ता है। 34 करोड़ से स्वीकृत चिरमिरी जल आवर्धन योजना पर 8 साल में करीब 48 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, पर पूरे शहर में अब तक पानी नहीं पहुंच पाया। लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। कहीं कहीं पानी मिलता भी है तो पानी पीने लायक नहीं होता। इस चिलचिलाती गर्मी में पानी नहीं होने की वजह से दैनिक कामों में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रकृति अद्भुत है, कल्पना से परे। ऐसे चमत्कार दिखाने में माहिर, जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाए। जगदलपुर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में कुदरत का ऐसा ही करिश्मा नजर आया है। जी हाँ, कांगेर घाटी में देखा गया है दुनिया का सबसे छोटा हिरण, जिसे कहते हैं माउस डियर। हिरण की एक दुर्लभ प्रजाति है जो आमतौर पर नहीं दिखती। माउस डियर इतने छोटे होते हैं कि लोग इन्हें बड़ा सा चूहा समझने की भूल भी कर सकते हैं। यही वजह भी है कि इन्हें माउस डियर कहा जाता है। जगदलपुर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में लगे ट्रैप कैमरों में माउस डियर कैद किया गया। भारत में पाए जाने वाले हिरणों की प्रजातियों में से माउस डियर विश्व के सबसे छोटे हिरण की श्रेणी में माना जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम मोसियोला इंडिका है। भारतीय माउस डियर का रहवास विशेष रूप से घने झाड़ियों और नमी वाले जंगलों में होता है। माउस डियर शर्मीले व्यवहार के होते हैं और सिर्फ रात में ही एक्टिव रहते हैं। जंगल की आग, शिकार और अतिक्रमण की वजह से भारतीय माउस डियर की प्रजाति को खतरे में माना जा रहा है। बहरहाल कांगेर घाटी में इन्हें भी संरक्षित करने की कोशिश की जा रही है। रायपुर में अवैध गुटखा फैक्ट्री पर छापा पड़ा है। खाद्य और औषधि प्रशासन की टीम ने मंदिर हसौ थाना क्षेत्र के एक फैक्ट्री में छापा मारा है। फैक्ट्री से 2 करोड़ का अवैध गुटखा जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि मजदूरों को फैक्ट्री में बंद करके गुटखा बनाया जाता था। अधिकारियों के मुताबिक यहां बड़ी मात्रा में सैकड़ों बंडल जर्दा युक्त गुटखा और उसे बनाने वाला सामान, सुपारी और पाउच जब्त किए गए हैं। इसे बनाने के लिए यहां रखी गई 23 मशीनों को भी अधिकारियों ने जब्त कर लिया है। इन मशीनों से रोज 300 से 400 बोरे गुटखा बनाए जा रहे थे और इसकी कीमत करीब 35 से 40 लाख है। मजदूरों ने अधिकारियों को बताया कि वे रात 10 बजे के बाद काम शुरू करते थे और सुबह में ये फैक्ट्री बंद रहती थी। यहां से गुटखा सप्लाई का काम सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच होता था। फैक्ट्री दुर्ग के किसी गुरमुख जुमनानी नाम के व्यक्ति के बताई जा रही है। छापेमारी की कार्रवाई के बाद प्रशासन की टीम ने फैक्ट्री को सील कर दिया। छत्तीसगढ़ में गर्मी के बाद मौसम ने करवट ली है। पेंड्रा जिले में मौसम बदल रहा है और इसका असर देखने के लिए मिल रहा है। आसमान में घने बादल नजर आए तो वहीं कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली है।
रुक रुक कर बारिश होने की वजह से तेंदुपत्ते को भी नुकसान पहुंचा है। गर्मी और बारिश से तेंदुपत्ते पर असर दिखने लगा है। वहीं आम जनों को भी गर्मी और बारिश से कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि स्वास्थ्य केंद्रों में अचानक से मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। सर्दी जुकाम की समस्या लोगों में बनी रहती है और आने वाले दिनों में भी मौसम का ऐसा ही रहने का अनुमान जाहिर किया गया है।